डेमोक्रेसी में क्या कल हम लोग सरकार में थे, आज सरकार में नहीं है, हो सकता है कल आप सरकार में ना हो। डेमोक्रेसी में एक हेल्दी व्यवहार यही है कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को झूठा ना फंसाए। और इधर देखने को मिला है कि बहुत सारी संस्थाएं इंस्ट्रूमेंट होने गई है सरकार की, ये तो जनता से बच गए, बीजेपी की सरकार बच गई, बाद में फोटो ले लेना, ये तो सरकार चली गई। तुम ले भी लो, मान लीजिए पहले बहुमत की सरकार थी, अब ये बहुमत की सरकार नहीं है, इसको समर्थन दिया हुआ सरकार है, ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। और गिरने वाली सरकार से हमारी यही अपील है कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, झूठे मुकदमे नहीं लगे। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ फंसे हैं, उसी तरह आजम खान साहब उनका परिवार फंसा और हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग फंसे हैं। तो देखिए ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा बीजेपी, ये बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं, या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है, नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। अरे वो चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वाले को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, समझ गए आप? जाने वाले ये नहीं नहीं सहयोगी हैं, उन्होंने तो गच्चा दिया दिल्ली वालों को। और दिल्ली वालों ने सोचिए, अगर दिल्ली वाले 22 में चुनाव में ना आते तो गच्चा खा गए होते। राहुल गांधी के स्पीच में, और इस बार देख लेना आप आने वाले समय में जो व्यवहार है सरकार का, कम से कम जनता का जनादेश को तो समझना चाहिए। राहुल गांधी के स्पीच पे, और अखिलेश जी ये दिल्ली वालों को गच्चा दिए हैं, अब दिल्ली वाले जाने। अखिलेश जी ट्रेन हादसों को लेकर ये ट्रेन एक्सीडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं, पेपर लीक का योगी सरकार मुकाबला कर रहे हैं। भैया भैया भैया।